माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL इन्फो बाई केश लाल सर में हार्दिक स्वागत है। आज की यह महत्वपूर्ण खबर है, भोपाल डेस्क रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक HB सिंह को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। अधिकारी रिश्वत के रुपए अपनी पेंट की जेब में रखकर कार से निकलने की तैयारी में था, तभी लोकायुक्त की टीम ने अधिकारी को सतपुड़ा भवन के गेट पर ही पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक धार जिले के बल्लभ पाटीदार नामक किसान की शिकायत पर HB सिंह सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण सतपुड़ा भवन भोपाल को 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता के पुत्र हेमंत पाटीदार की स्वीकृति ओवरसीज स्कॉलरशिप एरिजोना यूनिवर्सिटी फिनिक्स सिटी USA के भुगतान और $5,000 वृद्धि करने के एवज में यह रिश्वत ली गई थी। टीम ने अधिकारी को सतपुड़ा भवन के मुख्य द्वार पर रगे हाथ पकड़ लिया है। आरोपी ने पूर्व में 1-2 लाख रुपए की मांग की थी। बाद में चर्चा के दौरान आरोपी ने स्कॉलरशिप की राशि $5,000 बढ़ाकर $4,000 स्वयं रखने तथा $1,000 शिकायतकर्ता के पुत्र को देने पर सहमति जताई और 25,000 रुपये लाकर देने को कहा। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को इस संबंध में 27 जनवरी को शिकायत की थी। शिकायत की तस्दीक के बाद लोकायुक्त की टीम ने आज अधिकारी को 25,000 की रिश्वत लेते रगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी ने रिश्वत के रुपए प्राप्त कर अपने पैंट के पीछे की जेब में रख लिए थे और अपने शासकीय आल्टो कार से घर जाने की तैयारी की। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। इन तमाम जानकारी सभी शिक्षक साथियों को व्हाट्सएप